वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बायनास एक्सचेंज पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सेटिंग्स क्या करनी है और केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा बायनास ट्रेडिंग फीस में आपको 35% डिस्काउंट कैसे मिलेगा। मतलब जहां पर $1 ट्रेडिंग फीस लगेगी वहां पर आपको सिर्फ $0.65 ही लगेगी। बायनास वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इसमें आपको ट्रेडिंग के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। इसलिए बायनास की कंप्लीट सीरीज हमने बनाई है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है, डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करना है, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, पूल और सेविंग जैसे अदर सर्विसेज का यूज कैसे करना है, टॉपिक वाइज सारे वीडियोस बनाए हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बायनास सीरीज है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो सारे वीडियोस आप देख सकते हो। उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड रेगुलर वीडियोस में अपलोड करता हूं। तो आइए देखते हैं बायनास एक्सचेंज पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सेटिंग्स क्या करनी है, केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है और 35% डिस्काउंट कैसे मिलेगा ट्रेडिंग फीस में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से बायनास का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। दोस्तों बायनास का एप्लीकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, जिससे इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो दोस्तों अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और इस अकाउंट के लिए आपको एक पासवर्ड सेट करना है जो सिर्फ आपको पता रहेगा। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नीचे रेफरल आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये कोड एंटर करना है। ये मेरी रेफरल आईडी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग फीस में आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर आप मेरी रेफरल आईडी यूज करते हो तो आपको ट्रेडिंग फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि मैं बायनास के एफिलिएट प्रोग्राम में वर्क कर रहा हूँ। बाकी 25% डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो रेफरल आईडी में ये कोड एंटर करना है, जिसके आपको तीन फायदे हैं। पहला, ट्रेडिंग फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, बायनास ट्रेडिंग के एजुकेशनल वीडियोस मैंने बनाए हैं जो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और तीसरा फायदा है, अगर बायनास के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। मेरी टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पर दी है। तो रेफरल आईडी में आपको ये कोड एंटर करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर आपके स्क्रीन पर इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन का पॉपअप आएगा। आपको इस पजल को कंप्लीट करना है नीचे इस बटन को स्लाइड करके। उसके बाद आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना है, उसके लिए सेंड कोड पे क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अगर आपको इसे स्किप करना है तो आप इस पेज को स्किप कर सकते हो, या फिर इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग की है तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग नहीं की है, स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स में की है, तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपने ट्रेडिंग ही नहीं की है तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे एरो पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ सेटिंग्स क्या करनी है। पहली सेटिंग आपको करनी है जिससे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। ऊपर लेफ्ट साइड में इस आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में फी डिस्काउंट पे क्लिक करना है। अगर आप बायनास कॉइन में ट्रेडिंग फीस पे करते हो तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है और आपके बैलेंस में बीएनबी कॉइन होना चाहिए। तो आपको जो ट्रेडिंग फीस लगेगी वो ऑटोमेटिक आपके बीएनबी कॉइन से डिडक्ट होगी। तो टोटल आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस में, 25% बीएनबी यूज करके और 10% मेरी रेफरल आईडी यूज करके। और दूसरी सेटिंग आपको करनी है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। इसके बगैर आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए ऊपर लेफ्ट साइड में इस आइकॉन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। आपको इन चारों में से किसी दो ऑथेंटिकेशन को ऑन करने हैं। ईमेल ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी ऑन होता है और दूसरा मैं एसएमएस ऑथेंटिकेशन चूज करता हूँ। एसएमएस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे इसे ऑन करना है। फिर आपसे ये अपना मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर एंटर करके कन्फर्म पे क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका एसएमएस ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। दोस्तों ऑथेंटिकेशन का क्या यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप लॉगिन करोगे या विड्रॉल करोगे तो पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। ये आपके अकाउंट के सेफ्टी के लिए है। दोस्तों अब तक मैंने आपको बताया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और सेटिंग्स क्या करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है। अगर आप एप्लीकेशन में ही केवाईसी वेरिफिकेशन करते हो तो वो थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर आपको लाइव फोटोज स्कैन करने पड़ते हैं।
इसलिए वेबसाइट पे जाके केवाईसी वेरिफिकेशन करो, वहां पर आसान है। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहां पर आपको binance.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद binance की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऊपर राइट साइड में थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ आपको प्रोफाइल के आइकॉन पे क्लिक करना है, उसके बाद अनवेरीफाइड पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज पे ईमेल के नीचे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं भी किया तो भी चलेगा और करना है तो आप कर सकते हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेन होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे कंट्री सिलेक्ट करनी है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन का फॉर्म ओपन होगा। फर्स्ट पेज पे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, एड्रेस, पिन कोड और सिटी। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हमें इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। मैं आधार कार्ड अपलोड करूंगा तो यहाँ पर आईडी कार्ड सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और लास्ट स्टेप है, यहाँ अपना फोटो अपलोड करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन डिटेल्स सबमिट हो गई है। कुछ टाइम के बाद आपका वेरिफिकेशन अप्रूव हो जाएगा और आपको उसका मेल आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो आप इसे लाइक करें और Binance सीरीज के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी आपको हेल्प होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपका कोई फ्रेंड Binance एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना चाहता है, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसे आप ये Binance की सीरीज रेकमेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच इन दिस वर्ल्ड।